जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास मात्र 25,000 से 50,000 रुपए है तो भी आप बहुत ही अच्छा होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इवन एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड 365 दिन यानी 12 महीने बनी रहती है और बहुत ही अच्छी मार्जिन होती है। कंपटीशन हर बिजनेस में तो है, इसमें भी है, लेकिन इसमें आपको बहुत कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। इस बिजनेस को आप कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो हर चीज बहुत ही आसानी और कम शब्द में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिल्ड्रन टॉय बिजनेस के बारे में। चिल्ड्रन टॉय बिजनेस, अमीर हो गरीब हो, अगर उसकी औकात 10 रुपए की टॉय खरीदने की तो 10 रुपए अपने बच्चों को खरीद के दिखाता है, कोई 10,000 का खरीदता है। लेकिन आज के डेट में फैशन हो गया है, कोई त्यौहार है, कोई फेस्टिवल है, कुछ भी है, पड़ता है तो लोगों को गिफ्ट देते हैं, खिलौना गिफ्ट देते हैं, घर में सजाते हैं, इंटरेस्ट से खरीदते हैं, बच्चे खेलते हैं, क्योंकि आज ये पहली पसंद हो चुकी है बच्चों की। ठीक है, तो इसका बिजनेस आप बहुत कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहला स्टेप अगर आपको लेना है कि अगर इस बिजनेस को करना है और आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं जिसकी डिमांड हमेशा बढ़ेगी और आने वाले समय में आपको बढ़ती जाएगी, क्योंकि यूनिक यूनिक जो गैजेट्स आते हैं, यूनिक यूनिक जो खेलने के बच्चों के गेम्स आते हैं, जो कारें आती हैं, जो टॉयस आते हैं, ये बहुत ज़्यादा मार्केट में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। गार्जियन भी देना चाहते हैं बच्चों की तो बातें ही छोड़ दीजिए। ठीक है, कैसे आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको पहला काम करना पड़ेगा, आपको टॉय होलसेल मार्केट का दौरा करना पड़ेगा। भाई, आपको इस बिजनेस से ज़्यादा बहुत कुछ नहीं नॉलेज है तो आपको होलसेल मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा, यानी कि आपको बहुत सारे होलसेल मार्केट में होलसेलर से मिलकर देखना पड़ेगा कौन सा टॉय बना रहा है, कौन सा टॉय बना रहा है, किस तरीके का है, कितने में पड़ता है, इसमें कितना मार्जिन है, इस टॉय में कितना मार्जिन है, इनके यहाँ से कितना कैसे ये भिजवाते हैं, ये कैसे प्रोडक्ट हमको दिलवा सकते हैं या भिजवाएंगे हमारे यहाँ, सारा कुछ आपको करना है। और ये चीज़ हो सकता है दिल्ली के सदर बाजार में आप जाएंगे, बहुत सारे होलसेलर आपको मिल जाएंगे और वहीं से, क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है इन सारी चीज़ों की टॉय की, और डायरेक्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है, वो दिल्ली से होता है, तो वहीं पर आपको सबसे सस्ता ये सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों से मिलिए, चीज़ों को देखिए, समझिए, ये बहुत ज़रूरी है, ये करिएगा, घर से नहीं, आपको जाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा लोगों से मिलना पड़ेगा, बहुत सारे होलसेलर रिटेलर से आप मिलिए दिल्ली में। ठीक है, दूसरा काम करने पर उसमें से एक वेयर हाउस को आपको चुनना है जिसकी यूनिक प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे, या 2-3 प्रोडक्ट, जैसे मान लो कोई भाई सिर्फ और सिर्फ टेडी बियर बनाता है, ये भी हो सकता है, कुछ लोग प्लास्टिक के खिलौने बेचते हैं, कुछ लोग कुछ खिलौने बेचते हैं, कुछ लोग, तो हो सकता है आपको 3-4 लोगों से टाई अप करना पड़े जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फिर वो कहीं से लाते हैं, बाहर देशों से, चाइना वगैरह से लाते हैं और यहाँ पे बेचते हैं। ठीक, तो ऐसे लोगों को पकड़ना पड़ेगा, बहुत कम 5,000, 6,000, 10,000 में ये लोग प्रोडक्ट दे देते हैं आराम से। ठीक है, वहाँ से आप उठाएंगे, लेके आएंगे यूनिक प्रोडक्ट, हमेशा ध्यान दीजिए कि वो प्रोडक्ट आप खोज के लाइए जो मार्केट में ना हो, ताकि जब आप आएंगे अपने यहाँ रखेंगे और इसके बाद अपने दुकान के, अपने आसपास के जो मार्केट है उनमें होलसेलर रिटेलर जो होंगे खिलौने के, उनको आप दिखाएंगे ना, उनको पहली नज़र में आपके प्रोडक्ट को पसंद आना चाहिए। और थोड़ा सा शुरुआत में कम मार्जिन रखिएगा, क्योंकि जो दुकानदार है वो आपसे क्यों लेगा, पहली चीज़, क्योंकि वो जब दिल्ली जाएगा, समय निकालेगा, प्रोडक्ट छांटेगा, देखेगा, इसके बाद वो खरीदेगा तो वो भी ज़्यादा पैसे में खरीदेगा, तभी उसको अच्छा प्राइस मिलेगा। और वो चीज़ जब आप उसे 6 पीस में दे देंगे वही रेट में, तो वो वहाँ पे 10,000 का क्यों खरीदेगा, क्योंकि आपने तो भाई पैसा लगाया थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप जाइए, अपने खिलौनों को रेंज दिखाइए, होलसेलर रिटेलर से आर्डर लीजिए, इसके बाद अगले दिन आप जाइए उस खिलौनों को उनको पहुँचाइए, और बीच का जो मार्जिन है वो आपका होगा। शुरुआत में कोशिश करें कम पैसे से स्टार्ट करें, अगर आप कम से कम यानी 25-30 हज़ार रुपये में आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक ही 2 प्रोडक्ट उठाइए जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, मार्केट में इसका डिमांड हो, थोड़ा मजबूत हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हो, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं हो, ऐसे प्रोडक्ट हो मीडियम कॉस्ट में हो। ठीक है, वो आपको ले जाके आपको दो चार ही प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट उठाने की जरूरत नहीं है, 2-4-5 प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए और उसी को उठाइए और फिर मार्केट में जाके दिखाइए। और उम्मीद है कि ये लोग आपको भर भर के ऑर्डर देने वाले हैं। अगर आपको रिटेल में भी करना है तो बहुत सारे आज की डेट में सोशल मीडिया हो गई है, बहुत जगह आप उसे रिव्यू कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, ऐड चला सकते हैं। ठीक है, जिससे होता क्या है कि फ्री में, और पैसे नहीं देना है किसी एडवर्ट का, फ्री में फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप प्रमोट कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको अच्छा लगेगा, उनको होम डिलीवरी कर सकते हैं अपने एरिया में। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, अगर आप करने के लिए सोचेंगे तो बहुत आसान है, अगर आप करने के लिए नहीं सोचेंगे तो हर चीज़ आपके लिए टफ है, तो ये भी टफ रहेगा। ठीक है, मार्जिन की बात करें दोस्तों, तो अगर होलसेलर को देते हैं तो भी आप 15-20% कमाएंगे, और रिटेलर को देते हैं तो 20-30% कमाएंगे, क्योंकि खिलौने में बहुत ज़्यादा मार्जिन होती है। कास्ट इसका कम होता है, आप लेके आते हैं वहाँ से, और यहाँ पे क्योंकि उसका कोई MRP नहीं होता है, कोई बहुत चीज़ नहीं होती, तो दुकानदार भी जैसे
जिस रेट में बेच ले, क्योंकि 10 रुपये का सामान है 20-30 रुपये उस पर लिखा ही रहता है, तो लिखने से कोई मतलब होता नहीं है खिलौने, क्योंकि वो हम ही को सेट करना पड़ता है कि हमें उतना किस में किस रेंज में उसे बेचना है, क्योंकि खिलौने की क्वालिटी और उसकी बनावट के हिसाब से पैसे ले सकते हैं। ये बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको आप शुरू करिए, बहुत ही कम पैसे में आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप डेली बिकते हैं और सीजनल भी काम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि सीजनल में क्या हो गया कि कोई राखी रक्षाबंधन का त्यौहार हो गया तो राखी आपने उठा दिया, 15 अगस्त 26 जनवरी आई तो आपने झंडा वगैरह फ्लैग वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती है वो उठा लिया, होली में आया तो कलर पिचकारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं छोटी मोटी वो उठा लिया, तो इस तरीके से दिवाली में लाइट उठा लिया। तो ये सीजनल भी काम आप कर सकते हैं उसमें, क्योंकि आपको घर से स्टार्ट करना है, ना कोई दुकान लेना है, ना कोई इंटीरियर बनाना है, ना कुर्सी लाना है, ना लाइट लगाना है, घर पर रखना है सामान, ऑर्डर लेना है, बाइक से भी पहुँचा देना है, तो बहुत आराम से आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो बिज़नेस शुरू तो करिए, आइडिया तो आप खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएंगे और बहुत सारे आइडिया आपको मिलने लगे, पहले स्टार्ट करिए बिज़नेस को, ठीक है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आएगा कि आप कम पैसे में कैसे इसे स्टार्ट करके बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं और 12 महीने कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खिलौने के साथ साथ, और वैसे भी दशहरा वगैरह जब आता है तो खिलौने बहुत ज़्यादा बिकते हैं, जितना आप पूरे साल भर में नहीं बेचेंगे उतना आप दशहरे के समय में बेच सकते हैं, या अपने होलसेलर रिटेलर जो होते हैं उनको देंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा बेचते हैं। तो ये सीजन में जो दशहरा वाला सीजन है उसमें बहुत ज़्यादा है, ईद बकरीद आती है इसमें बहुत ज़्यादा बिकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सीजन वाला भी काम कर सकते हैं और खिलौने में भी बहुत ज़्यादा सीजन आते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए हैं पहले बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो यार रेड वाली बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 1,20,000 से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं और आप भी ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। कोई सवाल है इस बिज़नेस से रिलेटेड तो आप इसमें कमेंट जरूर करिएगा कि क्या चीज़ समझ में नहीं आया, और अगर आपको समझ में आया तो अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। A to Z कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।